हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, ये हमारी जॉन बीम गाड़ी की अलाइनमेंट मशीन है और इसमें हम जो अलाइनमेंट का डाटा होता है उसे हम सेट करना सीखेंगे। कैसे, अगर अलाइनमेंट का डाटा हमारा स्पेसिफिक में नहीं है, अगर मैच नहीं कर रहा है एज़ पर सर्विस मैनुअल, तो उसे हम कैसे एडिट कर सकते हैं, और इसमें जो यूनिट होती है बहुत सारी, उसके बारे में आज हम देखेंगे कि क्या क्या हम कैसे यूनिट चेंज कर सकते हैं। और सबसे पहले तो हम चेक करेंगे इसमें डाटा कैसे सेट करते हैं, ये देखेंगे। तो यहाँ पे जॉन बीम की जो हमारी अलाइनमेंट मशीन है, इसमें आज हम चेक सेट करेंगे जो डाटा, अगर हमारा ख़राब है, अगर डाटा सही नहीं है, स्पेसिफिक के अंडर नहीं है, तो उसे हम सही करेंगे। तो कुछ गाड़ियों में मैंने इसमें चेक किया तो डाटा हमें सही नहीं लग रहा था, तो उसे हम एज़ पर सर्विस मैनुअल करेंगे। तो जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इधर क्लिक करना होगा, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे हम, उसके बाद इस एरो पे हमें एक बार क्लिक करना है सिंगल क्लिक, उसके बाद हमें अपना जो भी कंपनी है वो देखना है। तो जैसे हमारी मारुति का है तो यहाँ पर मारुति सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अब आएंगे मॉडल में। तो मुझे प्रॉब्लम मिली थी आर्टिगा के मॉडल में, तो हम आर्टिगा पर सिलेक्ट करेंगे और इसे करेंगे हम ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिगा का जो ये डाटा आ रहा है, न्यू आर्टिगा है, और ये फ्रंट का डाटा है पूरा, ये पूरा फ्रंट का डाटा है और ये रेयर का डाटा है पूरा। तो फ्रंट में हमारा क्या होता है, कैस्टर एंगल होता है, कैम्बर एंगल होता है, और ये इंडिविजुअल टो है और ये टोटल टो है। रेयर में क्या होता है, कैम्बर एंगल होता है और इंडिविजुअल टो हो गया, और इंडिविजुअल को जोड़ देंगे तो टोटल टो हो जाएगा। तो इसमें आप हम देख सकते हैं कि जो भी कैम्बर और कैस्टर का जो वैल्यू है ये है, जो कि मैंने अभी सही करी है, और इसका जो रेयर का टो वैल्यू है वो थोड़ा सा सही नहीं है, जो कि नया रूटी में पॉपुलर आया था कि उसमें जो टो की वैल्यू है वो 48 मिनट कर दी गई है, टोटल टो की वैल्यू 48 मिनट कर दी गई है। तो इसे हम करेंगे 48 मिनट, और एक बार हम इसे सर्विस मैनुअल से भी आपको दिखा देते हैं। इसका ये जनरेशन की है, तो ये वैल्यू है, आप इसे देख सकते हैं, ये फ्रंट का टो है, फ्रंट कैम्बर, कैस्टर, रेयर टो और रेयर कैम्बर। तो आप इसमें आर्टिगा गाड़ी है, इसको आप देख सकते हैं स्क्रीन को पुश करके, और इसे हम सही कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 30 मिनट दिया जा रहा है टोटल टो, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है नए पार्ट में, उसको कर दिया गया 48 मिनट तक इसे कर दिया गया, क्योंकि इसमें आर्टिगा में लोड लेके चलते हैं कस्टमर, और जिसके कारण से ये टायर वियर की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो आप इसको, मैंने इसको सही कर दिया है वैल्यू, बस टोटल टो वाली वैल्यू दिक्कत है थोड़ी सी, तो उसे हम सही कर देंगे। तो इसको एडिट करने के लिए क्या करना होगा, हमें इस वाले पोर्शन में क्लिक करना है, यहाँ पे देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन भी लिखा हुआ था, उधर क्लिक करना है, और जो वैल्यू अभी हमें चेक करनी है, तो ये अगर हमें इंडिविजुअल टो सेट करना है तो हमें प्रेफरेंस जो टोटल टो वाली वैल्यू को सेट करना पड़ेगा। तो हमारा 48 मिनट टोटल है, तो यहाँ पर हमें पहले यहाँ पर हम मैक्सिमम वाले में 48 मिनट डालेंगे, इसे क्लियर करेंगे अपना कीबोर्ड के हेल्प से, 48 मिनट ऐसे कर दिया गया है, और फिर इसको इंटर करना है, इंटर करेंगे, इंटर दबाएंगे तो ये इंटर हो जाएगा। अब इसको हम 48 का डिवाइड करेंगे 2 से, तो आ जाएगा हमारा 24, तो ये हो गया हमारा 24, और इसे करेंगे हम ओके, और इसको कर देंगे मिनिमम वैल्यू जो हो गई हमारी 0, इसको हम 0 कर देते हैं, और कर देते हैं हम इंटर। तो अब अभी आप देख सकते हैं ये जो इंडिविजुअल टू हो गए 0 से 24 मिनट के बीच का है, और जो मैक्सिमम टोटल टो है हमारा वो 0 से 48 के बीच है। तो जो मारुति देखती है वो टोटल टो की वैल्यू ही देखती है, इंडिविजुअल टो के बारे में नहीं चेक ज़्यादा वो जिक्र करती है। अगर आपका टोटल टो अगर स्पेसिफिक के बाहर है तो आपको अपनी गाड़ी में चेक करवाना होगा। पहला तो आप अपनी गाड़ी का हब चेक करवा सकते हैं, दूसरा आपको अपनी गाड़ी की बॉडी चेक करवानी है, अगर हब और बॉडी आपकी सही है तो आपको, तीसरा आपको एक्सल बीम चेक करवाना होगा। ये नहीं है कि आपकी गाड़ी में आपका टोटल टो आउट है तो आपके एक्सल बीम के कारण ये प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं है। एक्सल बीम के कारण प्रॉब्लम भी हमेशा नहीं होती है, कुछ केसों में बॉडी भी डैमेज होने के कारण भी उसका एंगल चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर दिए हैं। अब क्या करना है, फिर से हमें इसे ओके पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस स्पेसिफिकेशन, सही करना चाहते हैं तो ये
और यहाँ पे कौन सा ईयर है ये हम यहाँ पे अपने से एडिट कर सकते हैं, कौन सी कंपनी की गाड़ी है यहाँ पे ये एडिट कर सकते हैं, और मॉडल क्या है वो हम सेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद से करेंगे इधर क्लिक करने के बाद तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कुछ भी करूँगा तो यह एडिटेबल है, तो हम इसे पहले आर्टिकल ही कर देते हैं और इसे करते हैं ओके। हमें नाम भी चेंज करना है, गलत नाम भी डला है तो उसे भी हम चेक कर सकते हैं। अब रुकना, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कस्टम स्पेसिफिकेशन विद दिस डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट ओवर राइट एग्जिस्टिंग स्पेसिफिकेशन, मतलब इसे कह रहा है जो हमने अभी चेंज किया है वो चाह रहा है हो जाएगा, यस करेंगे तो यस करना। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सेट हो गया, अब हम बैक कर रहे हैं तो आपको ये देख सकते हैं आर्टिका में ये डाटा हमें मिल रहा है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी अलाइनमेंट से रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो, और ये आपके लिए जॉन बीम की अलाइनमेंट मशीन के लिए अप्लीकेबल है, और अदर अलाइनमेंट मशीन में उसकी अलग सेटिंग्स होती हैं तो वो आपको अलग से देखना पड़ेगा।